गुड मॉर्निंग आज हम करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव हो या फिर रेसिप्रोकल हो एक ही बात है जेड इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड क्या होगा वन अपॉन ए प्लस आइटा बी बस रेसिप्रोकल कर देना फॉर एग्जाम्पल जेड इज इक्वल टू टू प्लस थ्री आइटा तो मल्टीप्लिकेटिव ऑफ z क्या होगा वन अपॉन टू प्लस थ्री आइटा लेकिन अपॉन में आइटा नहीं आना चाहिए इसको जर्नल फॉर्म में लाना है तो हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं टू प्लस थ्री आइटा है तो मैं टू माइनस थ्री आइटा से मल्टीप्लाई टू माइनस थ्री आईटा से डिवाइड टू माइनस थ्री आइटा को वन से मल्टीप्लाई किया अपॉन में ए प्लस बी ए माइनस बी क्या बना ए स्केयर माइनस बी स्केयर टू माइनस थ्री आइटा टू का स्केयर फोर थ्री आयटा का होल स्केयर नाइन आयटा स्केयर और अभी आपने पढ़ा है कि आयटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है माइनस वन तो माइनस करेंगे तो ये प्लस का नाइन हो जाएगा टू माइनस थ्री आईटा अपॉन थर्टीन और इसको अलग अलग कर लो टू अपॉन थर्टीन रियल पार्ट माइनस थ्री अपॉन थर्टीन आइटा इमेजनिंग पार्ट फिर एक और एग्जाम्पल देखो अब जेड दिया हुआ है थ्री प्लस फोर आयटा अपॉन फाइव प्लस टू तो हमने इसका मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स निकालना है तो क्या हो जाएगा वन अपॉन जेड तो फाइव प्लस टू आइटा ऊपर आ गया थ्री प्लस फोर आइटा नीचे आ गया फिर इसको रैशनलाइज कर दिया थ्री प्लस फोर आइटा की जगह थ्री माइनस फोर आइटा थ्री माइनस फोर आइटा तो फाइव को थ्री से मल्टीप्लाई फाइव को फोर आइटा से मल्टीप्लाई टू आइटा को थ्री से मल्टीप्लाई टू आइटा को फोर आइटा से मल्टीप्लाई नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी ए माइनस बी फिफ्टीन माइनस ट्वेंटी आयटा प्लस सिक्स आयटा माइनस एट आईटा स्केयर आइटा स्केयर की वैल्यू माइनस वन तो प्लस एट हो गया फिफ्टीन प्लस एट ट्वेंटी थ्री और आयटा माइनस ट्वेंटी आयटा प्लस सिक्स आयटा फोर्टीन आइटा नीचे डिनोमिनेटर में नाइन सिक्सटीन आयटा स्केयर आयटा स्केयर की वैल्यू माइनस वन तो प्लस सिक्सटीन हो गया तो कितना बन गया ट्वेंटी फाइव अलग अलग कलर ट्वेंटी थ्री अपॉइंटी फाइव माइनस फोर्टीन ये ट्वेंटी फाइव सम प्रैक्टिस के क्वेश्चन है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ये आपने करनी है नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर अगर जेड दे रखा है a प्लस आइटा बी जर्नल फॉर्म में तो जेड बार ये ऊपर माइनस लगा इसको बोलते हैं जेड बार तो z बार क्या हो जाएगा a माइनस आइटा वे सिर्फ इमेजनरी पार्ट के साइनों हो, चेंज होंगे फॉर एग्जाम्पल अगर z दे रखा है माइनस थ्री प्लस फोर आइटा तो z बार क्या होगा माइनस थ्री का माइनस थ्री रहेगा सिर्फ फोर आइटा का क्या आ जाएगा माइनस फोर आइटा इसकी प्रॉपर्टीज होती है मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 वन एंड जेड टू आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने ऐड किया जो आंसर आया उसका कॉन्जुगेट कर दिया या पहले ही आप उसको कॉन्जुगेट कर दो फिर ऐड करो कहता दोनों रिजल्ट सेम हो Z1 और Z2 को सब्ट्रैक्ट किया फिर उसका कॉन्जुगेट किया या पहले कॉन्जुगेट कर दो फिर सब्ट्रैक्ट पहले सब कॉन्जुगेट कर दो फिर सब्ट्रैक्ट कर दो एक ही बात होगी दोनों को मल्टीप्लाई ऐसी दोनों को डिवाइड और Z और Z बार इन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा पॉजिटिव होता है ये तो है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की जैसे आपके पास अभी एक क्षमता थ्री प्लस टू आइटा अपॉन टू माइनस फाइव आइटा अब हमने इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो हम क्या करेंगे थ्री प्लस टू आइटा टू माइनस फाइव आइटा को रैशनलाइज करेंगे मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई ये सिंप्लीफाई करके ये आ गया अभी हमने पीछे भी किया रैशनलाइज अब जैसे ही ये आपके पास जनरल फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर आया इसका हमने क्या कर दिया कॉन्जुगेट रियल पार्ट सेम रहेगा सिर्फ इमेजनरी पार्ट के साइन चेंज हो जाएंगे इसी तरह इसके भी आपने क्वेश्चन करने हैं थैंक यू